अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। चिकन स्ट्रिंग किस तरह से बनाते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगी। बहुत इजी रेसिपी है, घर के मांडे जो बच जाते हैं उससे ये बनते हैं चिकन स्ट्रिंग। ये मैंने लिया है चिकन आधा किलो और इसको मैंने लंबाई की शक्ल में काट लिया था। थोड़े से मोटे चंक्स होने चाहिए और बिल्कुल कटे हुए नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे। और ये लिया मैंने एक अदद अंडा, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून केचप, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च है। और फिर मैंने लिया है मैदा 2 टेबल स्पून। मैदा एज अ बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब ये सारे मसाले मैं इस्तेमाल करूँगी चिकन में। चिकन को मैं सारे मसाले लगाकर 1 से 2 घंटे के लिए रख दूँगी। आराम से चिकन गल जाएगी क्योंकि इसमें सोया सॉस मिलाते हैं। सोया सॉस अक्सर चिकन या गोश्त में इसलिए भी मिलाते हैं कि वो गलाने में मदद देता है। ये सब 1 टेबल स्पून है। अगर आपने कुटी लाल मिर्च बढ़ानी है तो आप बढ़ा दीजिएगा। और पानी ज़रा सा भी नहीं डलेगा क्योंकि चिली सॉस, सोया सॉस, इसमें भी ऑलरेडी पानी होता है। और एंड में अब मैंने डाल दिया मैदा 2 टेबल स्पून है। अच्छी तरीके से मिक्सअप करूँगी। एंड में नमक डालूँगी, हमेशा एंड में नमक डालना चाहिए क्योंकि जो हम सॉसेस डालते हैं उसमें भी नमक होता है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें अगर आप लोगों को रेसिपी समझ में ना आए। और अब ये मेरे पास मांडे हैं जो कि बच जाते हैं रोल्स में से, समोसों में से। मैं रख देती हूँ उसको एक साइड पर। अब एक दूसरे पर चिपक रहे हैं, उसको निकालना ज़रूरी है। और बिल्कुल आपके सामने मैं काटूंगी ये मांडे किस तरह से कटते हैं। ये देखें, बिल्कुल बारीक स्ट्रिप की शक्ल में काटना है लेकिन लंबाई में काटिएगा। जितना हो सकता है आप बारीक काटिएगा, उतना ही ये मज़े का क्रिस्पी बनेगा। बहुत इजीली कट जाता है आराम से। अब इनको थोड़ा सा लूज़ करना है, इसलिए अगर ये आपस में चिपक रही हो तो इनको थोड़ा सा खुला करना है। और अब मैंने नीचे बिछाया है कुछ मांडे। अब एक चिकन स्ट्रिप लूँगी। अगर इन केस अगर आपकी चिकन स्ट्रिप छोटी कटी हो तो आपने 2 से 3 चिकन स्ट्रिप लेनी है और इस तरह से आपको फोल्ड करना है। ये आराम से फोल्ड हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आपने चिकन कम ली है और ये मांडे की पट्टियाँ बहुत ज़्यादा ले ली हैं तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। जितनी ये पकड़ सकता है चिकन उतनी सही है स्ट्रिप। अगर ये समझ लें नहीं पकड़े ना तो आपने उसको हटा देना है। ज़्यादा मोटा कर लेते हैं, जैसे चिकन चिकन कम होती है और स्ट्रिप ज़्यादा होते हैं तो वो बिल्कुल जायका भी नहीं आता, पता भी नहीं चलता कि अंदर चिकन है या नहीं है। थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लीजिएगा ताकि ये आपस में बाइंडिंग हो जाए। और ये बिल्कुल खुलती नहीं है, आराम से इजीली फ्राई हो जाती हैं। और फ्रीज़र में हम आराम से रख सकते हैं इसको, 2 महीने तक आराम से चल जाती हैं। अब मैंने तेज़ आंच पर पहले ऑयल रखा, फिर अब मैंने स्लो आंच पर मैंने फ्राई किया। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।